Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. सो हेलो गाइस, वेलकम टू पिटासी सर चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं जो कि आर्म एक्सरसाइज के बारे में। तो आप आर्म एक्सरसाइज में अपने ट्राइसेप और बाइसेप दोनों को इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे लेना है, मतलब आर्म एक्सरसाइज कैसे करना है और आपको कैसे सेट परफॉर्म करना है। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे ट्राइसेप के वर्कआउट के बारे में। तो ट्राइसेप के वर्कआउट में आप फर्स्ट ये करना है कि ऐसे वार्म अप सेट ले सकते हो, क्योंकि ट्राइसेप जितना आपका सही रहेगा उतना बड़ा आपका आर्म्स दिखेगा। मैं स्टार्टिंग आपको बता दे रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग से अपना ट्राइसेप फोकस कीजिएगा और उसके बाद अपने बाइसेप फोकस कीजिएगा। तो हम फर्स्ट अभी ट्राइसेप का एक्सरसाइज लगाएंगे, तो आप देखते रहो मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे वार्म अप सेट एक आप ले लीजिएगा। तो उसमें आपको ये करना है कि इसको ग्रिप कर लीजिएगा और फिर इसको पुल कीजिएगा, और आपका शोल्डर जैसे मैंने बताया था उसको आगे रखिएगा और शोल्डर आपका लॉक रहेगा एक तरह से, और एल्बो भी लॉक रहेगा। नीचे आकर स्क्वीज करना है। तो इसका आप जो भी नॉर्मल एक वार्म अप लिए हैं, तो आप अब इसके बाद आप जो भी रेप परफॉर्म करेंगे वो 3 का परफॉर्म करेंगे। तो उसमें ये है कि आप 15, 12 और 10 जो भी रेप, और वेट आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिएगा। और स्टार्टिंग में अगर वेट नहीं इंक्रीज़ हो पाता है तो जो वेट आपसे नॉर्मल जा रहा है लाइक 15 रेप जा रहा है, तो उसको आप कंसिस्टेंटली कीजिएगा, 3 रेप ले लीजिएगा उसके बाद। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे वो है कि केबल रोप के लिए। तो आपका जो बैक वाला पार्ट है ट्राइसेप का, तो उसको काफ़ी हेल्प करता है ग्रो करने में। तो जैसे अभी हम लोग केबल पुली परफॉर्म किया, तो उसमें आप 3 सेट ले सकते हो। तो जो कि 3 जैसे मैंने बताया था, तो उसको 3 सेट जब भी आप परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद आप रोप जो भी केबल है तो उसको परफॉर्म कीजिएगा। तो इसमें भी आप 3 सेट लेना आपको भी, और ये आपका जो बैक वाला है ट्राइसेप उसको काफ़ी हेल्प करता है। तो आपका हाथ का अलाइनमेंट कैसे रहेगा वो देख लीजिए। तो आप वेट कंफर्टेबली ग्रिप कर लीजिएगा और अपने रोप को लास्ट एंड पे पकड़िएगा, और जब आप पुल करेंगे तो बाहर जब नीचे आएगा तो आप रोप को बाहर के साइड में कर दीजिए। तो जैसे आपने पुल किया, अब मैं बाहर के साइड कर दिया। जितना हो सके नीचे आके स्क्वीज कीजिएगा। तो इसका भी आप 3 सेट ले लीजिएगा जैसे मैंने बताया था, और जब भी आप वेट इंक्रीज़ करोगे तो अपना रेप को कम कर लीजिएगा और जितना हो सके धीरे धीरे कीजिएगा ताकि आपका अच्छा से स्क्वीज़ और कॉन्ट्रैक्ट दोनों फील हो। और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं जो है सिंगल हैंड डंबल एक्सटेंशन। तो उसमें आपको क्या करना है कि डंबल ग्रिप कर लीजिएगा और अपने शोल्डर से थोड़ा सा आगे की साइड रखेगा, और पूरा पैरेलल आपको हाथ नहीं करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट अपने हाथ को डंबल ऊपर कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपने शोल्डर से थोड़ा सा आगे जैसे मैंने बताया वो इधर है, और इसको आप पुल कीजिए और ऊपर आके इस साइड टर्न कीजिए अपने लेफ्ट साइड में, और पूरा पैरेलल नहीं करना आपको, हल्का सा बेंड रहेगा। तो इसका आप दोनों हाथ से मतलब कि 2 बारी कर लीजिएगा, जो कि 15 और 12 जब भी आप वेट इंक्रीज़ करो। तो इसका भी आप परफॉर्म कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो भी ट्राइसेप का लास्ट एक्सरसाइज है हम लोग परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारा ट्राइसेप डिप। तो उसमें आपको ये करना है कि अपने शोल्डर को पीछे के साइड अलाइन करना है, और अपने जितना हो सके क्लोज कीजिएगा अपने बॉडी से, और उसके बाद आप नीचे डिप कीजिएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो जब आप इस पर अपने हाथ को क्लोज कर लिए और अपने शोल्डर को पीछे कर लिया, फिर पीछे के साइड होके आप अपने ट्राइसेप को स्क्वीज करके नीचे धीरे धीरे आएगा। इसका आप जब आप 3 सेट परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग बाइसेप परफॉर्म करेंगे। तो बाइसेप में आपको ये करना है कि ऐसे वार्म अप जैसे मैंने बताया था ट्राइसेप के जैसे हमने किया। तो अब हम
बाइसेप का वार्म अप करेंगे जो कि आप इजीड कर लेके। जैसे मैंने बताया कि ट्राइसेप कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे बाइसेप के लिए। तो बाइसेप में आपको इजीड कर बारबेल लेना है और उसमें आपको ये करना है कि जितना हो सके मैक्सिमम रेप उसको उतना परफॉर्म कीजिएगा, ताकि आपके बाइसेप को टेंशन, जो भी एक्सरसाइज करोगे तो उसमें टेंशन मिले और अच्छे से फील हो। तो हम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अलाइनमेंट कैसे रहेगा। तो आपको बारबेल ले लेना है और अपने हाथ से थोड़ा सा आगे की साइड में करना है। और ये ध्यान देना कि आप जब भी करो तो धीरे धीरे कीजिए इसको। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रोप केबल के लिए। तो उसमें आपको ये करना है कि अब हमारा वार्म अप हो गया बाइसेप का, तो उसमें आप वेट, कंफर्टेबल वेट लगा सकते हो। तो उसका फिर आप 3 सेट ले लीजिएगा। हमारा इजेड कर्ल कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग वर्किंग सेट परफॉर्म करेंगे। तो उसमें आपको ये करना है कि बाइसेप के लिए आपको केबल पुली लेना है और उसमें आपको ऐसा परफॉर्म करना है। तो वेट आप अपने हाथ हिसाब से लीजिएगा और अपने हाथ को जैसे मैंने बताया शोल्डर से थोड़ा आगे रहेगा और पुल कीजिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी स्लो परफॉर्म कर रहा था और धीरे धीरे नीचे की साइड ले जा रहा था और ऊपर थोड़ा फास्ट ले जा रहा था। तो इससे आपको क्या होगा कि बाइसेप पे ज़्यादा टेंशन मिलेगा। और उसके बाद इसका भी आप 3 सेट ले सकते हो, जैसे 15 और 12 और 10। और इसमें जब भी आप रेप कम करोगे तो उसमें आपको वेट इंक्रीज करना है और धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एक्सरसाइज के लिए, जो कि डंबल के लिए। तो डंबल इंक्लाइंड डंबल है, अब हम लोग परफॉर्म करने आ रहे हैं इंक्लाइंड डंबल। तो उसमें आपको ये करना है कि एडजस्टेबल बेंच लेना है और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप अपने शोल्डर और सारा कुछ को बैक पे अलाइन कर लीजिएगा और नीचे की साइड इसको छोड़ दीजिएगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बाइसेप का लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हैमर कर्ल। तो उसमें आपको आउटर बाइसेप और फोरआर्म का जो आपका ब्रेसिलिया, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा इससे। तो जब भी आप स्ट्रेंथ करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करो, तो काफ़ी हेल्प करता है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि डंबल को अच्छे से ग्रिप कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना, देख लीजिए। डंबल ले लीजिएगा और उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा और जितना हो सके डंबल को ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब कीजिएगा और इसको अपने अंदर चेस्ट के साइड लाना है। जितना हो सके आप इसको धीरे से परफॉर्म कीजिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, तो वहाँ पे आप मेरे लिंक पे फॉलो कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।